गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है। और ट्वेल्थ क्लास के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा अध्याय संख्या चौथा चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता और समानता के बारे में। हमने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की अवधारणा को हमने इस टॉपिक को हम चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्रता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के विचारों के आधार पर स्वतंत्रता के दो रूप हैं। कितने रूप हैं कि स्वतंत्रता के विचार के आधार पर स्वतंत्रता के दो विचार हुए। स्वतंत्रता के दो विचार, दो विचार कौन कौन से हैं? कल भी हम चर्चा की थी इनके बारे में। दो विचार कौन कौन से हैं? पहला विचार है जिसके अंतर्गत बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव। और दूसरा जो विचार है स्वतंत्रता का, उसके अंदर बंधनों के अभाव की जगह युक्ति युक्त बंधन होंगे उसके ऊपर। तो युक्ति युक्त बंधनों का होना, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त बंधनों का होना, ये है बंध। जिसके अंदर बंधन बिल्कुल नहीं होंगे उसको कौन सी स्वतंत्रता कहा जाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता। और जिसके अंदर बंधन होंगे उसकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ अंकुश लगा हुआ होगा, बंधन होंगे उस समाज के, उसको क्या कहते हैं अपन? सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। इस प्रकार से स्वतंत्रता के कितने हो गए विचारों के आधार पर? दो, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जो इसका पहला रूप है, जिसमें बंधनों का बिल्कुल बंधन नहीं होते हैं, उसकी क्या विशेषता है, कौन से विद्वान ने क्या बात कही है, तो उसको कहते हैं अपन नकारात्मक और स्वतंत्रता का अर्थ। तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है पहले रूप के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसको कहा जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसके अंदर अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसमें जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी बंधन स्वीकार्य नहीं है व्यक्ति की आजादी के ऊपर या व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर, व्यक्ति जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसको कहते हैं अपन नकारात्मक स्वतंत्रता। यह वह स्थिति है कौन सी? नकारात्मक स्वतंत्रता की, जिसमें कोई बंधन नहीं होता है। क्या है यह? वह स्थिति है जिसमें क्या है? जिसमें कोई बंधन नहीं होता, जिसमें कोई बंधन नहीं होता। कहने का मतलब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें मनमानी करने की छूट होती है, जैसा चाहे व्यक्ति वैसा कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे क्या सही है क्या गलत है, इसके अंदर दूसरे की स्वतंत्रता की क्या हनन हो रहा है, उसको क्या नुकसान हो रहा है, इसकी तरफ किसी प्रकार की कोई वो स्थिति नहीं होती। इसके अंदर जैसी अपनी इच्छा हो व्यक्ति वैसा कर सके, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें किसी प्रकार का राज्य की तरफ से, समाज की तरफ से व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कोई बंधन नहीं होता है। व्यक्तिवादी विचारक स्वतंत्रता के इस रूप का समर्थन करते हैं। कौन से? जो व्यक्ति की, जो व्यक्तियों की पैरवी करते हैं व्यक्तिवादी, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों को क्या कहा जाता है? जो कोरी और कोरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी। तो व्यक्तिवादी विचारक स्वतंत्रता के इस रूप का समर्थन करते हैं। तो व्यक्तिवादी विचारक व्यक्तिवादी विचारक
जो व्यक्तिवादी है, जो केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवादी। तो व्यक्तिवादी विचारक स्वतंत्रता के इस रूप का समर्थन करते हैं, इस रूप का समर्थन करते हैं। कौन से रूप का? स्वतंत्रता के कौन से रूप का? नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले कौन है? व्यक्तिवादी। जैसे जे एस मिल का कहना है कि जे एस मिल देखो, जे एस मिल ये व्यक्तिवादी विचारक ही है एक तरह से। कौन? जो कोरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो जे एस मिल का कहना है कि क्या कहा है जे एस मिल ने, कि क्या कहा है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। कौन? जे एस मिल, कि जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। तो जे एस मिल का कहना है कि विचार हो, धर्म हो, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने का कोई क्षेत्र हो, में व्यक्ति को निर्बोध छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल आजाद छोड़ देना चाहिए। ये बात किसने कही है? जे एस मिल ने। क्या कहा है जे एस मिल ने? जे एस मिल का कहना है कि विचार धर्म, चाहे विचारों के आधार पे हो, विचार हो चाहे धर्म की बात हो, विचार हो चाहे धर्म हो, व्यवसाय हो, चाहे दूसरों से संबंध बनाने के, चाहे दूसरों से संबंध, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में, संबंध बनाने के, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को, क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बोध, क्या है? व्यक्ति को निर्बोध। इस शब्द को बिल्कुल ध्यान में रखना है, निर्बोध छोड़ देना चाहिए, निर्बोध छोड़ देना चाहिए। ये बात किसने कही है भाई? जेस मिल ने। निर्बोध का अर्थ हो गया बिल्कुल पूर्ण रूप से आजाद कर देना चाहिए, उसके विचारों के आधार पे कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। धर्म के मामले में भी वो चाहे किसी भी धर्म को माने नहीं माने, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। व्यवसाय में भी उसको पूरी छूट देनी चाहिए, या दूसरे से कोई संबंध बना रहा है व्यक्ति, उस मामले में भी उसको बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए। कौन से में? विचारों के मामले में, धर्म के मामले में, व्यवसाय के मामले में, और दूसरों से संबंध बनाते समय व्यक्ति को क्या है, राज्य के द्वारा किसी प्रकार का उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं या किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। उसको क्या कर देना चाहिए? निर्बोध छोड़ देना चाहिए, किसी उसको आजाद कर देना चाहिए, चाहे जैसा वो कर सकता है। तो ये कौन कहता है ये बात? जे एस मिल। ये कौन स्वतंत्रता में आता है? नकारात्मक स्वतंत्रता। मिल का कहना है कि व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात किसने की? कही मिल। ये व्यक्तिवादी है। कौन? कि व्यक्ति अपने निजी खुद से रिलेटेड जो कार्य है ना, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो इस कारण से जेएस मिल ने शुरू में ये बात की, पर आगे चल करके सकारात्मक स्वतंत्रता की प्रतिपादक कह देती, क्योंकि निजी बात कह रहा है वो, संपूर्ण समाज के कार्यों की बात नहीं कह रहा है। निजी के अंदर कहता है व्यक्ति को खुला छोड़ दो, बात समाज के कार्यों की आती है तो वहां पर जेएस मिल क्या कहते हैं? वहां पर जेएस मिल कहते हैं कि उसके ऊपर सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए वो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक, सकारात्मक स्वतंत्रता के भी समर्थक माने जा सकते हैं। तो शुरुआत के अंदर जेएस मिल व्यक्तिवादी थे, परंतु कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में जेएस मिल ने सकारात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है। अब आता है जो नकारात्मक स्वतंत्रता, इसकी क्या क्या विशेषताएं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो देखिए विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या है, प्रतिबंधों का अभाव, ये तो बंधनों का अभाव या प्रतिबंधों का अभाव, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा नकारात्मक स्वतंत्रता की। पहली विशेषता है प्रतिबंधों का अभाव, पहली क्या है, प्रतिबंधों का अभाव, इसके ऊपर किसी प्रकार के राज्य की तरफ से समाज की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं रहेंगे व्यक्ति के ऊपर, बिल्कुल सब व्यक्ति आजाद रहेंगे। दूसरी इसका जो विशेषता निकल करके आती है नकारात्मक स्वतंत्रता की, वो है राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, ऐसा मानना है। किनका नकारात्मक, कि राज्य का जैसे जैसे कार्य क्षेत्र बढ़ेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगता रहेगा, तो इसलिए राज्य का ये समर्थन नहीं करते। तो राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से 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 व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। क्या होती है भाई, व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, व्यक्ति की, इसका मतलब ये राज्य का समर्थन नहीं करते हैं। कौन नकारात्मक, ये राज्य को बुराई मानते हैं, क्योंकि राज्य को क्या मानते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला साधन मानते हैं, किसको, राज्य। तो ये राज्य कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होगी, ऐसा कौन मानते हैं, नकारात्मक या व्यक्तिवादी। तीसरी जो विशेषता निकल करके आती है नकारात्मक स्वतंत्रता, वो है कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है, कम से कम शासन करने वाली सरकार, कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है। कौन सी सरकार को अच्छी मानते हैं, जो कम से कम शासन कर रही है ना, वो ही सरकार अच्छी है, ऐसा कौन मानते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता। फिर चौथी जो इसकी विशेषता निकल करके आती है नकारात्मक स्वतंत्रता की, वो है मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है, खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिसमें योग्यता है वो पालेगा, ये मनुष्य की भलाई के लिए मानते हैं, इससे मानव का विकास होता है, तो ये प्रतियोगिता का सिद्धांत, ये कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि मानव विकास के लिए। चौथी जो विशेषता आती है मानव विकास के लिए, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत, खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत, खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है, क्या है, हितकर है मतलब भलाई है। इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि वे व्यक्तियों को निर्बोध तो छोड़ दिया बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का विकास के लिए ये जो प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसके अंतर्गत जिसके अंदर योग्यता होगी वो प्रतियोगिता भी सफल हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे, तो ये क्या, इससे मनुष्य समुदाय का भला होता है, ऐसा कौन मानते हैं, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रेमी मानते हैं। तो मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत क्या है, हितकर है। पांचवी जो विशेषता निकल करके आती है नकारात्मक स्वतंत्रता की, वो है सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है, कि सरकार के द्वारा जो संरक्षण प्रदान किया गया है, सरकार के द्वारा जो मानव समुदाय के को सुरक्षा प्रदान की गई है, वो व्यक्तियों के भले में नहीं है, व्यक्तियों के कल्याण में वो अच्छी नहीं है, ऐसा कौन मानते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सरकार द्वारा, पांचवा है
सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण, सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो कहने कर लो तात्पर्य ये है कि इन्होंने एक बात पहले कह दी है कि सरकार वही अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। कहने का मतलब राज्य का विरोध करने वाले हैं ये, राज्य नामक संस्था को आवश्यक बुराई मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ के अंदर। दोबारा से इसके अंदर पुनः एक बार मुख्य मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के दो विचार हैं, बंधनों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है, युक्तियुक्त जिसके ऊपर बंधन होते हैं उसको सकारात्मक स्वतंत्रता कही जाती है। इसके अंदर नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हमने पहले चर्चा की कि नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है कि या वह स्थिति होती है जिसमें किसी प्रकार का मनुष्य के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, उसको पूर्ण आज़ाद कर दिया जाता है। इसके समर्थक हैं जो व्यक्तिवादी विचारक स्वतंत्रता के इस नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन करते हैं, जिसके अंतर्गत जेएस मिल का कहना है कि जेएस मिल जो व्यक्तिवादी माने गए हैं, तो जेएस मिल का कहना है कि विचार के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्तियों को निर्बोध छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल आज़ाद कर देना चाहिए। इसके साथ में देखो जेएस मिल ने ये और बात कही है कि व्यक्ति को निजी कार्यों में, व्यक्ति के जो निजी खुद के कार्य हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसको? राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में सारी बातों को चर्चा करने के बाद में जो नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि पहली विशेषता है प्रतिबंधों का अभाव, किसी प्रकार के बंधन नहीं होने चाहिए व्यक्ति के ऊपर, पहली विशेषता है। दूसरी है राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से क्या होती है, जैसे जैसे राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी, स्वतंत्रता नष्ट होती जाएगी, ऐसा कौन मानता है, व्यक्तिवादी या नकारात्मक स्वतंत्रता की। दूसरी विशेषता है कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है, ऐसा किसका मानना है, ऐसा भी मानना नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है, यह भी विशेषता है। मानव इतिहास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत क्या है, खुली प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, इससे क्या होगा, मानव का विकास होगा, ऐसा किसका मानना है, ये विशेषता किसकी है, नकारात्मक स्वतंत्रता की। और सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण, सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा जो व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है वो व्यक्तियों के की स्वतंत्रता के हित में ठीक नहीं है, ऐसा कौन मानते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं हमने चर्चा की किसकी, नकारात्मक स्वतंत्रता की। कल हम चर्चा करेंगे इसका जो विचारों के आधार पे दूसरा है युक्ति युक्त बंधनों का आना, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।